लोग कितना जानते हैं नहीं जानते इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रूटीन काम है कि मैं जितना काम कर पाती हूँ उतना मैं दिखाती हूँ। 5 साल का टाइम है, टिकट नहीं मिला है, खाली क्यों बैठे? अभी तक हमको चिल्लाने में मजा आता था, कल एग्जाम है, आज भर रात भर पढ़ लो। आसान तो नहीं होता है, कठिन होती है, लेकिन परिश्रम के बाद जो फल मिलता है ना, तुम हम पे हंस रहे हो, एक दिन जरूर वो समय आएगा कि लोग तुम पे हंसेंगे। ये आपकी बार। हमारा घर है, पैतृक घर। और बच्चों, हाय। आप कब तक रहते थे यहाँ पर? हम लोग 2020 में तक यहीं रहे, 93 की शादी है, 2020 तक इधर अपना पूजा रूम, ये पूरा घर। और ये पूरा घर जैसे गांव का रहता है, पुराना घर, काफी पुराना लग रहा है। कितने साल पुराना होगा ये घर लगभग? तो भी 70-80 साल तो हो गए होंगे। ये हमारे सासू माँ का रूम है, अभी भी मिट्टी से लिपाई होती है, छुही से दीवार जिसको बोलते हैं, सफेद कलर का छुही, वही पुताई होता है अभी भी। ये है पुराना घर ही, गाँव का पूरा बरामदा, चारों तरफ बीच में आंगन। अभी भी हम लोग गाय पाल रखे हैं, इधर है गाय है, ये हमारी गैया है, अभी भी हम गौ पाल रखे हैं घर में ही। ये मंदिर, आंगन में शिव जी का मंदिर बना हुआ है। चल बैठो जी। प्रणाम मैम। नमस्कार। आपने मुझे पूरा घर दिखाया और मैं अभी और घर के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और आज कहाँ पर है, मुझे बताइए उस बारे में। राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंटरेस्टिंग है, राजनीति में वैसे मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और ये जनपद में चौधरी जी जनपद का चुनाव लड़े थे और शुरू से इनको इंटरेस्ट रहा, सरपंच का चुनाव लड़े, जनपद का चुनाव लड़े और राजनीतिक माहौल तब से थोड़ा देखने के लिए मिला। लेकिन एकाएक यहाँ पे जिला पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें महिला आरक्षण हुआ और इन्होंने ये सोचा कि इनको चुनाव लड़ाया जाए और 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य का पहला चुनाव लड़ी और उसमें चुनाव जीत गई थी। कैसा लगा आपको अपना पहला चुनाव जीत कर? क्योंकि आप पहले चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। लड़ना नहीं चाहती थी, शुद्ध गृहिणी थी, घर गृहस्थी के काम में मुझे अच्छा लगता था, खुशी होती थी। तो फर्स्ट बार चुनाव लड़ी, चुनाव जीती भी, तो शुरुआत में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे, अपनी समस्याओं को लेके आए, आते गए, उनकी समस्याओं का समाधान करने लगे, फिर उनको देख के जो आत्मिक संतुष्टि हुई उससे फिर राजनीति में इंटरेस्ट भी आने लगा और अच्छा भी लगने लगा कि चलो लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिला है और हम करना फिर शुरुआत किए। आज भी हम सब लोग आपको आपके दौरे कार्यक्रम के बीच में परेशान कर रहे हैं, तो कैसा लगता है कि आपका रोज़ाना वाला दिन और कैसे लगता है एक दिन जिसमें आप सब जगह दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सुबह से जाके शाम तक वापस घर आ रहे हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों? मैं जो काम करती रहती हूँ लोग कितना जानते हैं नहीं जानते इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रूटीन काम है कि मैं जितना काम कर पाती हूँ उतना मैं दिखाती नहीं, मेरे को अपने काम से मतलब रहता है, मैं काम करती हूँ। और रही बात घर गृहस्थी की बात, तो वो तो मेरा पहला कर्तव्य है और वो मेरा अधिकार है, सबसे पहला मेरा काम मैं अपने घर परिवार को संभालूं करूं और उसके भी ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है,
लेकिन घर परिवार सब अच्छे से रहेंगे, खुशी से रहेंगे तो उनका भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनका भी सपोर्ट मिलता है, तो फिर बाहर भी हम निश्चिंत होकर काम कर पाते हैं। तो इसलिए घर को संभालना बहुत ज़रूरी है और घर परिवार सही तो फिर बाहर निकलो तो फिर निश्चिंत होकर, घर की कोई टेंशन नहीं होती। आपकी शिक्षा भी यहीं से हुई है, बसना से? मेरी शिक्षा भंवरपुर से, मेरा मायके है धनापाली बसना के पास, और स्कूल की शिक्षा भंवरपुर में 10वीं तक की मेरी शिक्षा थी। उसके बाद मैं जब 2013 में विधायक बनी तो भी मैं 10वीं तक ही पढ़ी थी, और फिर उसके बाद मैंने विधायक बनने के बाद 12वीं का ओपन का एग्ज़ाम दिया। आपने विधायक बनने के बाद फिर से 12वीं की परीक्षा? 12वीं के ओपन अच्छा। हाँ, मैं एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं पास हुई। फिर उसके बाद 2018 में मेरे को विधानसभा का टिकट नहीं मिला, तो मैं बोली 5 साल का टाइम है, टिकट नहीं मिला है, खाली क्यों बैठे। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं हुई कि मेरा टिकट काट गया? ऐसा कौन नेता या विधायक सोचता है कि चलो पढ़ लेते हैं बीच के 5 साल में? कुछ राजनीति करते करते, कंटिन्यू करते करते इंटरेस्ट तो आ गया था, लेकिन नहीं मिला टिकट, तो कुछ ना कुछ तो करने की इच्छा थी। थोड़ा ये लगा कि विधायक रहते अपने को समय नहीं मिल पा रहा था, पूरा टाइम ना जनता की सेवा में जाता था, तो इससे ये लगा कि अपने पास अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो मैंने इसलिए कुछ करना, अपने आप को मतलब कुल मिला के मैं वीजी रखना चाहती हूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और इस 5 सालों में मैंने एमए कर लिया। उस समय आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, सब कर मेरे से आगे बैठ के होमवर्क करते थे मेरे से आगे निकल गए थे बच्चे, आगे निकल गए थे। इंग्लिश में मेरे को थोड़ा कठिनाई भी होती थी, क्योंकि इतने दिन 30-32 साल का पढ़ाई जो छूट चुका था, और कठिनाई ये हुई जो आंसर मेरे को आते थे, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है और लिखने की आदत छूट गई थी, तो इससे मेरे को आता था उसको भी मैं सॉल्व नहीं कर, मतलब पूरा कंप्लीट लिख नहीं पाती थी, तो इसलिए मेरा आंसर ना छूट जाता था। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में एक ऐसा समय आया कि एक पेपर में मैं सिर्फ 4 नंबर पाई थी, और मैं उस पर ना पूरक निकल गई। और ये हुआ था चूँकि चुनाव का समय था मार्च अप्रैल, और हमारे वर्तमान जो सांसद हैं चुनीलाल साहू जी, उनका नामांकन दाखिल करना था, तो 2-3 दिन तैयारियों के लिए, फिर नामांकन दाखिल करना, फिर पार्टी का काम करना। चूँकि मैं अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई कर रही थी, तो मैं काम को बाधा नहीं पहुंचाना चाहती थी। आप दोनों मैनेज कर पा रहे थे उस टाइम पर, स्कूल में पढ़ना भी और संगठन के कामों में लगना भी? मेरा संगठन का काम मेरा पहला दायित्व था, तो इसलिए मैं संगठन के काम को ही महत्व देती थी। आप उसे काम की तरह नहीं लेते थे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। फिर इसीलिए मैंने वो पेपर, जो अगला पेपर था उसके दूसरे तीसरे दिन, तो मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाई थी, और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, और मैं उस पर 4 नंबर आई, और मैं उस विषय पर फेल भी हो गई इतिहास में। फिर मैंने दोबारा उसका पूरक का एग्जाम भी दिया, और फिर जाके पास हुई थी। आप अपने बच्चों को चिल्लाते थे कि पढ़ाई करो, या फिर उल्टा होता था? वो जब मैं कॉलेज का एग्जाम देने लगी तो वो मेरे को चिल्लाते थे, अभी तक हमको चिल्लाने में मजा आता था, कल एग्जाम है, आज भर रात भर पढ़ लो, उसके बाद पेपर दे के आके सो जाना बोलते थे। सबसे टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था? देखिए, टफ तो मेरे को मैथ, मेरे लिए गणित ना मेरे लिए टफ था, लेकिन इंटरेस्ट भी था, क्योंकि बाकी जो विषय होते हैं उस विषय में नंबर कटने का, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे 20 मिलेंगे नहीं, जितना भी सही लिखो 17 मिलेंगे, 18 मिलेंगे, और ज़्यादा नहीं तो 19.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका आंसर सही हुआ तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, तो टफ भी था और मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी था। आसान होता है एक महिला होते हुए भी इतनी सारी चीज़ों को देखना, घर में बच्चे हैं, एक पूरी विधानसभा है, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, आप कैसे मैनेज करते थे, मुझे ये जानना है। आसान तो नहीं होता है, कठिन होती है, लेकिन परिश्रम के बाद जो फल मिलता है ना, तो उससे जो खुशी होती है, तो वो सब मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैम, आप नाश्ते में क्या करते हैं? क्योंकि मैं 2-3 दिन से आपकी टीम को मॉनिटर कर रहा हूँ, आप रोजाना इतनी जगह जाते हैं, आप सुबह निकलते हैं, आपको आते आते रात हो जाती है, आप नाश्ता क्या करते हैं, मुझे अपनी डाइट के बारे में बताइए पहले। मेरे को तो जो हमारे कास्ट में जो चलता है जनरली, पेज और टमाटर की चटनी। पेज क्या होता है? पेज मतलब चावल का गीला, दाल डाल देते हैं तो खिचड़ी कहलाती है, इसमें सिर्फ चावल का गीला गीला बनता है, नमक थोड़ा हल्का डाल के, क्योंकि उसमें बिल्कुल तेल वेल नहीं लगता,
तो वो और टमाटर की चटनी के साथ, उसके बाद अगर कुछ इच्छा हुई तो पोहा वगैरह ये सब, और ज़्यादा हेवी तला भुना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लेके फिर मैं निकलती हूँ। चलिए, फ्रूट से हम लोग आते हैं फार्मिंग और इरिगेशन पर। आपने अपनी विधानसभा में किसानों के लिए और सिंचाई से संबंधित क्या सोचा है, आपने कैसे प्लान किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल भी काफ़ी डाउन है, आपने क्या सोचा हुआ है इनके बारे में? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वास्तव में ये जो इधर का जो एरिया है बसना सरायपाली, काफ़ी ड्राई हो चुका है और अधिकांश लोग खेती किसानी का, या अधिकांश के सारे लोग खेती किसानी पे ही निर्भर हैं। कोई उद्योग वगैरह नहीं है, ऐसा कोई और दूसरा आय के सोर्स नहीं है, साधन नहीं है, और सिंचाई बहुत आवश्यक है। जोंक परियोजना हमारी जब सरकार थी तो उस पर हम काम कर रहे थे, उस पर काफ़ी सारे हम उसको लोअर जोंक पे काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस की जो ये 5 साल की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, इससे वहाँ पे पूरा का पूरा काम ठप पड़ गया, बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो आने वाले समय में लोअर जोंक के पानी को इधर बसना सरायपाली नहर लाइनिंग के माध्यम से ला के उसको डैम में भरना, जो छोटे छोटे या बड़े डैम जो भी हैं उनको उसमें भरना, और वाटर लेवल इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है कि खासकर सरायपाली के 2-3 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पे दूसरे गांव से पानी ला करके पीने के लिए, पानी की सप्लाई के लिए दूसरे गांव से लाना पड़ रहा है। तो जितने भी हम अधिकांश ये होता है जनरली कि बरसात के समय नाले उफान पे रहते हैं, उसके बाद पूरे के पूरे पानी बह जाते हैं, तो उस पानी को हम स्टोरेज कैसे कर पाएँ, ये एक अपने लिए चुनौती भी है और ये आवश्यक भी है, इसको करना ही है। आपने देखा था जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई और उसी का नतीजा है कि जो ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय से आज पूरे गांव जोड़ चुके हैं, और उनका ये सपना था नदी से नदी जोड़ो अभियान। अगर वो दोबारा सरकार आती और अटल जी की सरकार बनती तो वास्तव में ये काम भी हो जाता, और आज जो देख रहे हैं एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान तो दूसरी तरफ अकाल से, तो ये मैनेज होता, सभी को बराबर पानी भी मिलता, सभी को बराबर सारी चीज़ें मिलती, तो पानी की किल्लत है इधर। तो इसके लिए वाटर रिचार्ज करना, वाटर को स्टोरेज करके रखना ये आवश्यक है, इसके लिए अपने को बहुत काम करने की आवश्यकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता थे, आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की फिर से पुनः सरकार बन गई, आप भाजपा की जो आज फंक्शनिंग है और कैसे डबल इंजन की सरकार बन रही है, आप कैसे भाजपा काम करती है? एक मैंने इंटरव्यू देखा था मोदी जी का कि हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर देते हैं, इसमें प्रॉपर प्लानिंग लगती है, तो कैसे आप अभी इलेक्शन कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं, क्या एक आपकी थॉट प्रोसेस होती है और ये कैसे चल रही है, इसके बारे में बताइए मुझे। देखिए, एक समय जब था कि लोकसभा में मात्र भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे और 2 से आज 303 तक पहुंच गए, तो ये बिना प्लानिंग, बिना मैनेजमेंट, बिना योजना के ये संभव नहीं हो पाया है। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चलने वाली पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है, और उस समय भी अटल जी जब सरकार में थे और एक वोट से जब उनकी सरकार गई थी ना, तब भी उन्होंने अपने भाषण में सदन में कहा था इन्हीं कांग्रेस पार्टी को कि आज तुम हम पे हंस रहे हो, एक दिन जरूर वो समय आएगा कि लोग तुम पे हंसेंगे। और देखिए उस समय में उन्होंने ये बातें कही थी और वो आज सरासर 100% वो सही निकल रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे प्लानिंग के साथ कोई भी काम को करते हैं, और उनके साथ हमारे जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, दोनों की प्लानिंग बहुत अच्छी प्लानिंग होती है और कभी भी काम से पीछे नहीं हटे। आपने देखा कि उन्होंने पूरे 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, और निश्चित रूप से हमारा एक ध्येय, हमारा एक लक्ष्य है भाई, हम अपने लिए नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने स्वार्थ नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए चुन के आते हैं और उस लक्ष्य पे काम करते हैं। हमारा एक अपना विजन होता है, सामने वाले के पास तो कोई विजन ही नहीं है, तो विजन को लेके काम करेंगे तो प्लानिंग के साथ करेंगे, उसमें आगे भी बढ़ेंगे, और आज उसका नतीजा है कि बड़े बड़े निर्णय हो चुके, चाहे राम मंदिर की बात करो, चाहे 370 हटाने की बात करो, चाहे 3 तलाक की बात करो, तो
यह है सारी राम मंदिर को आप एक शब्द में समझाइए मुझे। राम मंदिर, आप कल्पना करिए कि हम रामायण पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लंबे अरसे के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। वो 14 वर्ष हमारे लिए दिल दुखाने वाली बात होती है कि इतने दिनों 14 वर्षों तक वन वन भटके थे, और आज कलयुग में हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी 500 सालों तक टाट पे थे और हम उनको मंदिर पे स्थापित नहीं कर पा रहे थे, और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आज भी हम स्थापित नहीं कर पाते। तो ये दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति आज अपने देश का ही सर्वोच्च नेता नहीं बल्कि पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। राष्ट्रीय चेतना का विषय, राष्ट्रीय चेतना का विषय है। आप 370 को कितना महत्वपूर्ण पाती हैं कि उसे हटाना कितना जरूरी था? बहुत ही जरूरी था, और देश की जनता जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो ये मान लिए थे कि अब हम 370 ये कभी नहीं हट वो सकता। अभी भी मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे कि वो 370 को फिर से लेके आने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इसमें कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे? वो तो चले गए, धराशाही हो गए, वो उसमें कोई ना सक्सेस ना और हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन इतने दिनों तक जो 370 बना रहा ना, ये भी हमारे लिए दुखद है। हमारा ही अपने राष्ट्र का एक भूभाग कश्मीर, और आप पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर यहाँ के लड़की से शादी करे और वो वहाँ की नागरिकता ले ले, वहाँ पे वो जमीन खरीद ले, लेकिन हमारा यहाँ भारत का व्यक्ति वहाँ पे जाके जमीन नहीं खरीद सकता, ये क्या बात थी? ऐसा कौन सा रूल था एक ही देश में? और इसके लिए हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी कि एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगी, ये उनका जो ध्येय था, उसके कारण उनकी जान भी गई, तो उनका बलिदान तो ऐसे नहीं जाएगा। और आज 370 हटना ये मोदी जी के आने से ही मुमकिन हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। और आज आप जाके देखिए कश्मीर में क्या शांति थी, बोलते थे ना कि वहाँ पे खून खराबा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बल्कि आज वहाँ की जनता बहुत खुशी से जीवन यापन कर रही है, उनकी इनकम के सोर्स बढ़ गए, लोग अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे। तो इतना बड़ा बड़ा फैसला लेना कोई आसान नहीं था, ये कोई दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति ही ले सकता है, और वो मोदी जी थे। इसलिए हम लोग सब बोलते हैं कि अब की बार 400 पार। आपने अपने क्षेत्र की जनता में बुजुर्गों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए क्या सोचा है? ये मैंने सवाल आज तक कभी किसी से नहीं पूछा। बस मैं अभी गुजर रहा था यहाँ पर तो मुझे एक बुजुर्ग भी दिखाई दिया और उनके साथ में खेलता हुआ एक बच्चा भी, तो मैंने इस क्वेश्चन को पूछना चाहा। देखिए, बुजुर्गों के लिए कभी भी मैं अनाथ आश्रम के वृद्धाश्रम के पक्ष में मैं नहीं रहती, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को लास्ट में अपने परिवार का उनको प्रेम चाहिए रहता था, उनको फिर और कुछ नहीं चाहिए रहता था, उनको ना 56 भोग की आवश्यकता ना बुढ़ापे में नहीं रहती, उनको अपने नाती पोतों के साथ अपने घर परिवारों के साथ रहना, उनको बस प्रेम चाहिए रहता था, और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। तो इसलिए उनको तो अपने घर में ही, ये हमारे में इतनी संस्कार होने चाहिए। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी मुझे दिखती है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक है, और हमको अपने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनको अपने घर में ही रखें, उनकी सेवा करें। दूसरी बात, अनाथ बच्चों के लिए, या अनाथ कोई भी हो, बच्चे ही नहीं कोई भी हो, तो उनके लिए अनाथालय पूरी सुविधा युक्त होनी चाहिए, क्योंकि अनाथ बच्चों के लिए जो अनाथ हो जाता है तो उसकी पीड़ा को दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता, उसको वही जानता है। तो इसलिए उनको ऐसा अनाथालय तो होना चाहिए, वहाँ पे उनको उस तरह की पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए, मेडिटेशन भी उनको देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, उनके सेहत का, उनके पढ़ाई लिखाई का, उनके पढ़ाई लिखाई उसके साथ उनके स्किल का कि बच्चे आगे इसका, और उसके रुचि के हिसाब से उनको हम वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराएं, ताकि वो बच्चा अनाथ हो तो भी उसको कभी ये फील नहीं होने दें, उसको आगे चल के ऐसा एक अच्छा इंसान बनाने में हम पूरी की पूरी मदद कर सकें, तो ये एक आवश्यक चीज़ है। जब आप हमें अभी घुमा रहे थे तो मैंने देखा कि आप अपनी सासू माँ से बहुत लगाव रखते हैं, तो आप उनसे क्या सीखते हैं और आपको महिला के तौर पर उनसे क्या सीख मिलती है?
देखिए, जब हम लोग घर में ही रहते थे तो कई बार हम लोगों को सिखाने के लिए डांटती थी, फटकारती थी, तब तो गुस्सा आता था कि हमको डांट रही हैं करके। लेकिन अब जब हम राजनीति में आए और बाहर काम करने लगे, तब उनकी एक एक बातें हमको एहसास होने लगी कि वो कितना सही थे और हम कितना गलत थे। और आज हमारे बच्चे ये हमको बोलने भी लगे हैं कि हाँ, पूरी की पूरी दादी की तरह ना बनती जा रही है, दादी आपको फटकारती थी और अब आप हमको फटकारती हैं, पूरी दादी की तरह बन रही है। ये प्रोसेस चलते रहेगी, चलते रहेगा। तो अच्छा भी लगता है उनकी, उस समय तो उतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज एक एक बातें ना सही लगती हैं और उनकी उनका सीख ही है जिसके कारण हम कहीं पे फिसलते नहीं हैं। हम अपने काम को अच्छे से जो कर पाते हैं और जो घर और बाहर दोनों को मैनेज कर पाते हैं, तो ये उनकी ही दी हुई सीख है। हमारा खेती है, तो खेती है ना, ससुर जी तो नौकरी में थे, रेंजर थे, और हमारी सास ही पूरा खेत का काम देखती थी, संभालती थी। वन वुमन आर्मी। हाँ, तो बहुत सारे लेबर रोज लगे रहते थे, तो वो पूरा जाके खेत भी देखती थी, घर भी आके देखती थी। उनको पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत श्रद्धा के साथ वो पूजा भी करती थी। तो वो सारी चीज़ें को हमने उन्हीं से सीखा और आज वही हमको काम करने में ताकत दे रही हैं और जो इतना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, तो वो सब उनका ही देन है। आप जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे? हाँ, मैं खो खो और कबड्डी खेलती थी। क्या आपका उसमें एक्सपीरियंस रहा? खो खो तो मैं बहुत अच्छे से खेलती थी, और दुबली पतली थी, छोटी हाइट की थी, भागती बहुत थी, इसलिए खो खो में मेरा अच्छे अंक आते थे, मैं जीतती थी। और कबड्डी में क्योंकि छोटी थी तो जल्दी से पकड़ लेते थे। पढ़ाई और खेलकूद दोनों के बीच में आप किसे ज़्यादा प्रिफर करते? मैं पढ़ाई पे ही मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ाई को ही प्रिफर करती थी। वो तो खेल शौक के लिए खेलती थी, लेकिन मुझे आज लगता है कि पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही खेलकूद भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेहत ठीक रहेगा ना तभी आप पढ़ाई भी कर पाओगे। और खेलकूद से आपको एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आपका मनोरंजन भी होता है और सेहत भी सही रहता है, तो खेलकूद बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने हमारे महासमुंद की जनता और खिलाड़ियों के बारे में और आगे के लिए क्या सोचा है कि आप कैसे उन्हें प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, अभी कल परसों में ही शशांक सिंह IPL किंग्स 11 से जो खेला है, तो उसको देख के काफ़ी युवा लोग ना प्रोत्साहित हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे ही गांव में भी ऐसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको उचित सुविधा मुहैया करा जाए, उनको उचित संसाधन उपलब्ध करा जाए, तो ऐसे हमारे गांव से भी खिलाड़ी निकल के आगे आएंगे और अपने इस महासमुंद लोकसभा का भी नाम रोशन करेंगे। तो इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है, उनके लिए एकेडमी होना चाहिए जहां पे उनको प्रॉपर सिखाया जा सके। हम रोज़गार को और कैसे बढ़ा सकते हैं महासमुंद? रोजगार उद्योग की आवश्यकता है, औद्योगिक क्षेत्र में काम करेंगे। देखिए, रोजगार का मतलब हम ये मत सोचें कि सबको नौकरी मिल जाएगी, युवाओं के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है और उनको उनके रुचि के हिसाब से उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। और हमारा तो मकसद ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी ये उद्देश्य है कि हम सिर्फ नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, तो युवाओं को अपने स्किल के हिसाब से काम करना चाहिए, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी की भेड़ चाल में हम नहीं भेजना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपका कहाँ का दौरा है, इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? चुनाव चल रहे हैं, आपको पता है कि 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा का वोटिंग है, तो इसलिए कंटिन्यू मेरा दौरा बना हुआ है। आज सिंघनपुर, गौटे, गुढ़ियारी, भुकेल, ऐसी 10-12 गाँव का दौरा है जहाँ पे मेरे को निकलना है और आप लोग बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपकी मोटिवेशन कौन है और आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी रोज इतने जगह जाना और इतने लोगों से मिलना? आपकी सोशल बैटरी ड्रेन नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती, जनता का जो उत्साह और प्यार मिलता है इससे एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, उनका आशीर्वाद जो मिलता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को,
फॉलो करती हूँ। और अभी वर्तमान में तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये, तो इन लोगों को मैं देखती हूँ। मैंने सुषमा स्वराज जी का कई इंटरव्यूज़ देखा, तो वो बहुत ही स्मूथली अपने परिवार को भी उन्होंने पूरा पर्याप्त समय दिया, और राजनीति के एक उच्च शिखर पे उन्होंने जो करके दिखाया वो मेरे लिए मोटिवेशनल है। और इस तरह घर परिवार को मैनेज करके आगे काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। बहुत क्लीशे सा क्वेश्चन है ये कि आप आने वाले टाइम पे 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है, बट मैं आपका आंसर भी सुनना चाहता हूँ कि आप क्या देखते हैं अपने आप को 5 साल बाद। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं ये हमारा मैटर नहीं है, ना मायने रखता है। हम अपना काम करते जाते हैं, पार्टी जो दायित्व देती है उस पे हम 100% खरा उतरने की कोशिश करते हैं, और पार्टी जहाँ पे जो दायित्व देती है बस उसी पे अपना काम करते हैं। आपको जब बीच में MLA की टिकट नहीं दी गई थी तब आपने क्या सोचा था? जैसे बहुत सारे लोग अभी, बहुत सारे कांग्रेसी, खैर उनके पास में तो एक कारण है कि वो क्यों आ रहे हैं भाजपा में, आपने नहीं सोचा कि मुझे टिकट नहीं मिली है तो मुझे निर्दलीय लड़ लेना चाहिए या फिर कुछ? बिल्कुल नहीं, पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ताओं को MLA का टिकट दिया, हम विधानसभा चुनाव जीते, और निर्दलीय लड़ने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, न मन में आया। उसके बाद साल भर बाद भारतीय जनता पार्टी की महासमुंद की जिला अध्यक्ष बने, और वो भी पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला जिला अध्यक्ष थी। मेन बॉडी का जल्दी से महिलाओं को दायित्व तो नहीं दिया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जिन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया। और अभी 2023 में फिर मैं विधानसभा के लिए दावेदार थी, 2023 में भी विधानसभा का टिकट नहीं मिला, तो अपना काम संगठन का था, वो काम करते रहे, और अभी लोकसभा का टिकट मिला। तो भारतीय जनता पार्टी देखती है, समझती है, और समय अनुसार उचित निर्णय लेती है। चुनावी समीकरण की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि साहू समाज के अलावा पहली बार किसी अन्य वर्ग जो कि OBC है उसे टिकट दी गई है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी सबको अवसर देती है, आप ही ने बोला कि कई बार साहू समाज को दिया गया था, और अभी भी हम सब भी समाज मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी एक OBC समाज से ही हूँ, और सबके सब मिलके, और जनरली ज़्यादातर हमारे साहू बंधुगण भी BJP समर्थित हैं, और सबका उद्देश्य और हम सब का मकसद, हम सब का लक्ष्य एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार हमको प्रधानमंत्री चुनना है। तो हम सब समाज मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, देश की पूरी जनता के साथ, महासमुंद के लोकसभा की जनता भी मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है माहौल, और सब समाज मिल के एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सबका समर्थन मिल रहा है। हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट कब करने वाले? ये चुनाव के बाद। ठीक है, थैंक यू आंटी जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल हम लोग तुरंत कट करके अब आप अपने दौरे को कंटिन्यू करिए, और मेरी आप सबके साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप पुनः एक बार यहाँ पर सांसद बने।